नगर पालिका द्वारा 59 दुकानें बनवाई गई हैं। इन सभी दुकानों को तोड़ा जाए या वक्फ के हवाले किया जाए। वहीं जनपद रामपुर में शाही वकाफ के मुतवल्ली रहे पूर्व मंत्री नवाब कासिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने कहा कि किले के अंदर उनके पूर्वजों द्वारा वक्फ की जमीन है, इस पर नगर पालिका द्वारा 59 दुकानें बनवाई गई हैं। इन सभी दुकानों को तोड़ा जाए या वक्फ के हवाले किया जाए। उन्होंने ये बात किले के अंदर वक्फ की ज़मीन पर नगर पालिका द्वारा अवैध रूप से बनाई गई दुकानों के निरीक्षण के दौरान कही। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि तत्कालीन कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान और नगर पालिका चेयरमैन अजहर खान ने किले की दीवार गिराकर मोटी कमाई के लिए ये दुकानें बनवाई थी और सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किया था। इस मामले में 1.31 करोड़ की रिकवरी भी पूर्व चेयरमैन अजहर के खिलाफ जारी हो चुकी है। वक्फ की ज़मीन पर नगर पालिका के धन से दुकानों के निर्माण के मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ था और अजहर खान जेल में है। नवेद मियां ने कहा कि ये दुकानें गिराई जाए या वक्फ कमेटी के हवाले की जाएँ। कहा, हाईकोर्ट में रिट दायर कर किले की दीवारों को तोड़ने से बचाया था और दुकानों के मामले में भी वे कानूनी कार्रवाई जारी रखेंगे। विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 पासपोर्ट और शहर कोतवाली में डोंगरपुर बस्ती को खाली कराए जाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं जनपद रामपुर में टांडा के विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 पासपोर्ट मामले में मुकदमा भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिस पर अब यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को होनी थी, लेकिन मंगलवार को बचाव पक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर इस मामले की सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख मुकर्रर कर दी है। इसके अलावा शहर कोतवाली में दर्ज डोंगरपुर के 3 मामलों में भी आज सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं आपको बता दें, मंगलवार को अभियोजन की ओर से आपत्ति दाखिल की जानी थी, लेकिन आपत्ति दाखिल नहीं हुई। इस मामले की सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। SP के आदेश पर रामपुर शहर पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। आपको बता दें, शहर कोतवाली पुलिस द्वारा शबाद गेट पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया तथा संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग की गई तथा संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर उससे पूछताछ की गई तथा बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट के कार चलाने चालकों के ऊपर जुर्माना भी डाला गया तथा लोगों को जागरूक किया गया कि बिना सीट बेल्ट बिना हेलमेट के वाहन ना चलाएं तथा त्योहारों के दृष्टिगत भी लोगों से वार्ता की गई कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। साथ ही लोगों को समझाया गया कि वाहन चलाते समय अपनी स्पीड हल्के रखें ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। जौहर रोड पर खेत में लगी आग, सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वहीं जनपद रामपुर में जौहर रोड पर खास बाग में खड़ी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के साथ ही फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई। वहीं फायर ब्रिगेड ने करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस दौरान जौहर रोड पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। वहीं आग को फायर ब्रिगेड ने काबू कर लिया। आग ज्यादा विकराल रूप धारण नहीं कर सकी। जिला अधिकारी ने रेडिको खेतान एवं आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा चलाए जा रहे भूजल स्तर में सुधार की कवायद की प्रशंसा की। वहीं जनपद रामपुर में रेडिको खेतान आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित भूजल शक्ति प्रोजेक्ट के अंतर्गत सब सरफेस डायक वाल का शिलान्यास भल्ला नदी के किनारे जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदार द्वारा किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्य से रामपुर जिले का जलस्तर बेहतर बना रहेगा। वर्तमान में रामपुर के गिरते हुए जलस्तर को बचाने की मुहिम चलाई गई, जो कि एक बहुत ही अच्छी मुहिम है। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि सभी लोगों को मिलकर इस महान और भविष्य की बेहतरी के लिए किए जा रहे कार्य में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। आने वाले समय में स्वच्छ जल की आपूर्ति एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आने वाली है। यदि हम जागृत नहीं हुए तो हमारा बेहतर कल का सपना साकार नहीं हो पाएगा। वहीं आपको बता दें, रेडिको खेतान के डायरेक्टर KP सिंह ने कहा कि अत्याधुनिक गुरु श्री रविशंकर की प्रेरणा से प्रेरित होकर रेडिको खेतान के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ललित खेतान ने रामपुर में आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलकर समाज सेवा के कार्यों को प्रगति देने का बीड़ा उठाया है। इस क्रम में हमने रेडिको एवं आर्ट ऑफ लिविंग जल शक्ति प्रोजेक्ट के माध्यम से रामपुर का जल स्तर सुधारने हेतु कार्य करना आरंभ कर दिया है। रामपुर में सब सरफेस डायक वाल का निर्माण प्रथम बार किया जा रहा है।